तो ये कहानी शुरू होती है मिया नाम की एक लड़की से जो किसी से बचकर जंगल में भाग रही थी वो काफी देर तक भागने के बाद भी उसे सड़क नहीं मिल रही थी तभी मिया के सामने एक बड़ा आदमी आता है जिसका नाम ब्रायन था और वो मियाँ के सर को अपने हाथों से क्रश करके उसे जान से मार डालता है और जिस तरीके से उसने मियाँ के सर को क्रश किया था उससे हम जान पाते है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है फिर इसके बाद में ब्रायन मियाँ की बॉडी को जंगल में बने एक घर में लेकर जाता है जहाँ पर वो अपने भाई क्लाइट के साथ में रहता था क्लाइट उस समय मियाँ को टॉर्चर की गई कुछ वीडियो को देखकर मास्टरबेट कर रहा था और ब्रायन के आने के बाद में क्लाइड उसे मियाँ के मीट को काट कर लाने को कहता है क्लाइड की बात मानकर ब्रायन मियाँ की बॉडी के टुकड़े करने लगता है फिर दोनों मिलकर मियाँ के बॉडी पार्ट्स को पका खा लेते हैं जिसका साफ मतलब था कि दोनों कैनिबल हैं जिन्हें इंसानों का मांस पसंद है फिर अब हम चार लोगों को देखते हैं जिनके नाम थे जॉश जॉश की बहन सारा और सारा का बॉयफ्रेंड कोल कोल का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम था मैक्स और ये चारों एश नाम की एक लड़की को किडनैप करके कहीं पर ले जा रहे थे वे लोग जहाँ पर जा रहे थे वहाँ का एड्रेस सिर्फ कोल को पता था ऐश का पिता बहुत ही अमीर था तो इसलिए उनका प्लान था कि ऐश के बदले वे लोग उसके पिता से दस मिलियन डॉलर की मांग करेंगे मैक्स और कोल को जोश पसंद नहीं था उन्हें ऐसा लगता था कि जोश एक बच्चा है और वही उनके प्लान को खराब कर सकता है और सिर्फ सारा की वजह से ही उन दोनों ने जोश को उनके प्लान में इन्वॉल्व किया था अब रास्ते में वे सभी एक गैस स्टेशन में रुकते हैं और जोश उस गैस स्टेशन पर बाथरूम जाने के लिए अंदर जाता है जोश गैस स्टेशन के डोर से भागने की सोचता है लेकिन वो अपने सिस्टर को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था तो इसलिए वो वहाँ से नहीं भागता है गेस स्टेशन में भी कई लोग ऐसे थे जो कि एच टी किडनैप होने की बातें कर रहे थे वहीं पर मार्क नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारा और जोश से बातें करता है इस बात को लेकर कॉल और मैक्स को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि अगर गलती से उनके ऊपर पुलिस को शक हुआ तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे फिर रास्ते में सभी के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है और इसी चक्कर में उनकी कार सड़क के बीच में खड़ा हुए एक से टकरा कार के गया था। और का एक सिंग कोल के पेट में घुस गया था इस वजह से कोल को बहुत ही दर्द हो रहा था साथ ही उसका बहुत ही ब्लड लॉस हो रहा था अचानक से वो डियर जाग जाता है और दर्द के मारे छटपटाने लगता है जिससे कि कोल को और भी ज्यादा दर्द हो रहा था तो इसीलिए वो उस डेयर को गोली मारकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं अब तीनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं कोल की बॉडी से उस डियर के सिंग को निकालने के लिए लेकिन सिंग उसकी बॉडी से नहीं निकलता है ऊपर से कोल को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी सभी लोग समझ चुके थे कि अब कोल जिंदा नहीं बचेगा तो इसलिए मैक्स कोल से वो एड्रेस पूछता है जहाँ पर वे लोग जाने वाले थे लेकिन कोल मैक्स को वो एड्रेस नहीं बताता है तो इसीलिए मैक्स कोल को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है क्योंकि वैसे भी वो उन सभी लोगों को एड्रेस नहीं बताने वाला था

कि किडनैपर से वे लोग मर्डर बन जाए कॉल की तो ऑलरेडी मौत हो चुकी थी तो अब वो नहीं चाहता था कि वहां पर और कोई मौत हो मैक्स के मुताबिक एलेक्स अगर यहाँ पर जिंदा वापस आ गया तो पुलिस को उन सभी के बारे में बता देगा तो इसलिए उन्हें जंगल के बीच में से आगे निकलना चाहिए नहीं तो वे सभी लोग पकड़े जाएंगे सारा और जोश जंगल के बीच से नहीं जाना चाहते थे लेकिन मैक्स के पास में अब एक गन थी और वे दोनों अब मैक्स के गुलाम बन चुके थे मैक्स भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं था और एक छोटी सी गलती पर वो उन्हें जान से मार सकता था तो इसीलिए वे दोनों मैक्स से कहे मुताबिक कार के डिक्की से ऐश को निकाल कर जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन सभी लोगों के मोमेंट्स को क्लाइड बड़ी दूर से देख रहा है वो वहाँ से फ़ौरन अपने घर पर आ जाता है और अपने भाई ब्रायन को उनके नए शिकार के लिए रेडी होने को कहता है लेकिन तब तक ब्रायन अपने डॉल के साथ में खेलने में बिजी था तो इसीलिए वो कहीं पर जाना नहीं चाहता था तब क्लाइड ब्रायन से प्रॉमिस करता है कि वो उसी डॉल की तरह उसे एक लड़की दे देगा तब जाकर ब्रायन

और उनमें से सिर्फ जोशी ऐसा था जो कि ऐश की, की केयर कर रहा था उन लोगों ने ऐश के सर पर एक बोरी डालकर रखी हुई थी ताकि वो किडनेपर के फेस को नहीं देख पाए और इसलिए चलते चलते ऐश कई बार रास्ते में गिर भी रहा था और तब जोश उसे संभालता है ऊपर से ऐश के पैर में कांटे भी चुप गए थे और तब जोश उसके पैरों से कांटे निकालकर उसे अपने सॉक्स पहना देता है तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ब्रैन दूर से उनके ऊपर नजर रखे हुए था और चुपके से उनका पीछा भी कर रहा था फिर इसके बाद में सारा मैक्स को आगे का प्लान पूछती है मैक्स का ये प्लान था कि वे लोग जंगल का रास्ता सड़क तक जाएंगे और वहाँ पर किसी कार को रोक कर ड्राइवर को मारने के बाद में उसकी कार को लेकर वे लोग किसी गैस स्टेशन पर जाएंगे और उस गैस स्टेशन से वहाँ पर से एश के फादर को कॉल करके ऐश के बदले उनके पैसे मांगेंगे मैक्स सारा को धमकी देता है कि अगर उसके भाई जोश ने अब कोई भी गलती की तो वो उसे भी मार डालेगा सारा भी जोश की तरफ से प्रॉमिस करती है कि जोश कोई भी गलती नहीं करेगा अब इन सभी के बीच में डिस्कशन हो गया था लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में मैक्स सारा और जोश को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है वो सारा और जोश को मारकर अकेली उसके फादर से पैसे निकलवाना चाहता था लेकिन वो सारा और जोश को मारता उससे पहले ही क्लाइड उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है क्लाइड को देखकर सारा उससे झूठ बोलने लगती है कि मैक्स उन्हें गन पॉइंट पर किडनैप करके वहां पर लाया है लेकिन क्लाइड को ये बात पहले से पता थी कि वे लोग कौन है और क्या काम करते हैं तो इसलिए वो सारा की बातों में नहीं आता है अब तक यहाँ पर मैक्स उनको गन पॉइंट पर रखे हुए था लेकिन अब क्लाइट उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उसके मुताबिक उनसे काम करने को कहता है मजबूरी में सारा और जोश को क्लाइड की बात मानकर ऐश को उन्हें जंगल में छुपाना पड़ता है और फिर दोनों क्लाइड के डायरेक्शन को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं इधर ऐश के सर पर भी बोरी बंधी हुई थी तो इसलिए वो कुछ नहीं देख पाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो आखिर कहाँ पर जाए तभी उसके सामने ब्रायन आता है जो कि ऐश के सर पर घुसा मारकर उसे बेहोश करके अपने साथ में घर ले जाता है फिर घर लाने के बाद में ब्रायन ऐश को थोड़ा अजीब तरीके से टच करता है और रूम से बाहर चला जाता है जिससे कि हम जान पाते हैं कि ब्रायन लड़कियों से अपजिस्ट था ब्रायन के जाने के बाद में ऐश को होश आता है और घबराहट में वो भागने की कोशिश करती है लेकिन उसका सर बोरी से ढके होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और फ्रिज से टकरा कर बेहोश हो जाती है जिसकी आवाज़ सुनकर ब्रायन वहाँ तक आ जाता है और वो समझ गया था कि ऐश भागने की कोशिश कर रही है तो वो इसीलिए ऐश को एक चेयर से बांध देता है दूसरी तरफ क्लाइड दोनों को एक पेड़ के पास में लेकर जाता है जहां पर दो हैंडक लटके हुए थे क्लाइड के कहने पर दोनों उस हैंडक से खुद के हाथों को लॉक कर लेते हैं फिर उसके बाद में क्लाइड उन्हें उनकी एक्सीडेंट हुई कार के पास में लाता है और जोश को चाकू देता है जिससे कि वो डियर का सर काट सके पहले तो जोश डियर के सर को नहीं काट पा रहा था लेकिन जब क्लाइड उसे मारने की धमकी देता है तब तो जोश कुछ ही टाइम में उस डियर के सर को पूरी तरीके से काट डालता है फिर इसके बाद में सारा और जोश दोनों मिलकर उस डियर के सिंह को कोल के पेट से बाहर निकालते हैं जोश तो डियर के बाकी के बॉडी पार्ट को मीट के लिए काटने वाला था लेकिन क्लाइट को डियर के मीट की कोई जरूरत नहीं थी जो बात सारा और जोश को काफी अजीब लगती है लेकिन हम तो पहले से जानते हैं कि क्लाइड और ब्राइन कैनिबल थे तो इसलिए उन्हें एनिमल के मीट की जरूरत नहीं थी फिर इसके बाद में जोश क्लाइड के, के कहने पर डियर का सर उठाकर उसकी डायरेक्शन को फॉलो करके उनके घर तक आता है फिर इधर हम देखते हैं कि विल्बर पुलिस ऑफिसर मार्क को एलेक्सी कार तक लेकर आता है एलेक्सी बॉडी को देखने के बाद में वो विल्बर को बाकी के पुलिस आने तक वहीं पर कुछ देर रुकने को कहता है जिसके बाद मार्क अकेले आसपास के इलाके में छानबीन करने के लिए जाता है कुछ दूर तो जाने के बाद में उसे कोल की डेड बॉडी और डियर के बाकी की बॉडी दिखाई देती है और वो ये बात पुलिस कंट्रोल रूम को बताता है शांति पुलिस कंट्रोल रूम से उसे ये पता चलता है कि एच टी किडनेपर्स उसी इलाके में घूम रहे हैं और ये सुनकर मार्क जंगल की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है दूसरी तरफ हम जोश और सारा को क्लाइड के घर में देखते हैं जोश तो डियर के सिंह रखने के लिए ब्रायन के साथ में दूसरी तरफ चला जाता है और सारा क्लाइड के साथ में घर के अंदर जाती है ब्रैन के के कहे मुताबिक जोश डियर सिंह को उनके में रख देता है और जोश को वहां पर वही हथियार दिखाई देता है जिससे कि ब्रायन लोगों के टुकड़े करता है इससे पहले कि जोश को समझ पाता ब्रायन उसके पास आकर उसे घूसा मारकर उसे बेहोश कर देता है यहाँ पर क्लाइड सारा को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है लेकिन सारा उस ड्रिंक को नहीं पीती है क्योंकि उसे शक था कि उसके ड्रिंक में कोई पॉइजन हो सकता है इन सब से बचने के लिए सारा क्लाइट को एक डील ऑफर करती है कि अगर वो उन्हें यहाँ से जाने न दे तो वे लोग एसी किडनेपिंग का आधा पैसा क्लाइट को दे देंगे लेकिन क्लाइट को पैसों से कोई मतलब नहीं था उसे तो उनका ह्यूमन मिट चाहिए था सारा उस ड्रिंक को नहीं पी रही थी तो इसलिए क्लाइड उसके सर को टेबल पर मारता है जिससे कि सारों को बहुत चोट आती है ऊपर से क्लाइड ने उनके ऊपर गन पॉइंट करके रखी हुई थी तो डर के मारे वो उस को पी लेती है, अब का है तो सारा गोलियां नहीं थी मतलब और साथ ही गन से डराकर सारा को वो ड्रिंक भी पिलाई गई थी लेकिन क्लाइट के पास में मैक्स गन थी तो इसलिए सारा क्लाइट के सामने हार मान लेती है तभी सारा धीरे धीरे बेहोश हो जाती है क्योंकि क्लाइट ने उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी फिर इसके बाद क्लाइड ऐश के पास में जाता है और उसके सर से वो बुरा हटाता है और यहाँ पर हम पहली बार एश के फेस को देख पाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एश एक ट्रांसजेंडर लड़की है ब्रायन को हमेशा से ही कोई लड़की चाहिए थी जो उसके साथ हमेशा रहे तो इसलिए क्लाइड ऐश को गिफ्ट के तौर पर ब्रायन को देना चाहता था क्लाइड ऐश से कहता है कि वो ब्रायन के साथ में अच्छा बिहेव करें उसके दोस्त बने क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है और उसे कोई इंसल्ट ना करें और तब वे लोग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ऐश बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो इसीलिए वो इस बात को मान जाती है फिर इसके बाद में क्लाइड ब्रैन को बुलाकर ऐश को आउटहास में बांधने को कहता है ब्रैन भी क्लाइड की बात मानकर ऐश को आउटहास में ले जाता है और वो वहां पर उसके पैरों को चेन से बांध देता है फिर अब ब्रैन सारा के कपड़े उतार कर उसे चेन से बांध कर बाहर एक पेड़ से लटका देता है और क्लाइड कैमरा लेकर आता है सारा के टॉर्चर को रिकॉर्ड करने के लिए साथ ही वो जोश को घर के अंदर ले जाकर उसे एक चेयर से बांध देता है ब्राइन ने सारा की बॉडी पार्ट के ऊपर मार्किंग करके उसकी बॉडी के पार्ट के नाम भी रख दिए थे मतलब कि वे दोनों उन बॉडी पार्ट के टुकड़े करने वाले थे फिर उसी समय सारा को होश आता है लेकिन उसके सर पर बोरी बंधी हुई थी तो इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो कहाँ पर है और दोनों भाई उसके साथ में क्या करने वाला है सारा उन दोनों को कोई गालियाँ दे रही थी और तब क्लेट सारा के पेट में चाकू घुसा कर उसे टॉर्चर करने लगता है जिससे कि सारा दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ से एज भी काफी डर जाती है और जल्दी जल्दी अपने हाथों की रस्सियों को डियर के सिंग से काटने लगती है और कुछ ही देर में उसके हाथों की रस्सी खुल जाती है फिर अब एश एक आयरन रोड से अपने पैरों के चेन को तोड़ लेती है जब दोनों भाई घर के अंदर जोश को टॉर्चर करने गए थे तब ऐश उस आउटहास से बाहर निकल जाती है अब इधर घर के अंदर ब्रायन और क्लाइड जोश को टॉर्चर करने लगते हैं और क्लाइड उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था जोश अपनी बहन सारों को आवाज लगा रहा था लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी फिर इसके बाद में क्लाइड एक चाकू से जोश के प्राइवेट पार्ट को काटने लगता है और वो एक बर्नर से उसके जख्मों को जला देता है ताकि जोश का ब्लड ना निकले जोश जब दर्द के मारे चिल्ला रहा था तो ऐश उसकी आवाज सुन लेती है 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 और बाहर उसे सारा भी से से लट लटकी हुई दिखाई देती है, तो इसीलिए वो वो भागती नहीं है। वो अब जोश को बचाने का सोचती है क्योंकि उन सभी किडनैपर्स में से जोश ही सिर्फ ऐसा था जो कि उसकी केयर करता था अब ऐश घर के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक गन और कुछ गोलियां मिलती है ऐश कुछ ब्लड को गन के अंदर डालती है और कुछ गोलियों को अपने पॉकेट में रख लेती है फिर वो उसी रूम में जाती है जहाँ पर जोश को टॉर्चर किया जा रहा था और वहां पर जाकर वो ब्रायन को शूट कर देती है जिससे कि ब्रायन वहीं पर बेहोश हो जाता है ब्रायन इतना ज्यादा स्ट्रोंग आदमी था कि वो एक गोली से नहीं मरता है फिर इसके बाद में ऐश क्लाइट को गन पॉइंट पर लेकर जोश के दोनों हाथों को खुलवाती है फिर जोश क्लाइट के हाथों में हैंडकफ लगा देता है और उसने जो उसके साथ में किया था उसके लिए जोश क्लाइट को बहुत मारता है अब सभी सारा की बॉडी के पास में आते हैं जोश सारा को होश में लाता है जिसके बाद में सारा अपने कपड़े पहनती है फिर ऐश उन सभी गन पॉइंट पर लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है ताकि वो वहाँ से निकल कर मेन रोड तक सेफली जा सके लेकिन रास्ते में क्लाइड जोश को पकड़ लेता है और वो उसकी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार डालता है डर के मार ऐश गन भी नहीं चला पाती है तब सारा ऐश से गन लेकर क्लाइड को गोली मार देती है अब इतना सब हो जाने के बाद में सारा अभी भी उन किडनैपिंग के पैसों के बीच पड़ी हुई थी वो अब ऐश गन पॉइंट पर ले लेती है तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर मार्क आता है जो कि सारा को शूट करके उसे वहीं पर जान से मार डालता है मार्क के शूट करने पर सारा की एक आंख बाहर आ गई थी और ऐश से मार्को को पता चलता है कि ऐश एक नैप हुई लड़की है और ऐश अब तक हुई सभी चीज़ों के बारे में मार्को को सब कुछ बता देती है मार्क ऐश के बताए हुए क्लाइंट के घर पर जाना चाहता था पर ऐश वहाँ पर फिर से नहीं जाना चाहती थी लेकिन मार्क के जोर देने पर ऐश को उसके साथ में जाना पड़ता है वहाँ पर जाने पर ऐश को ब्रैन की डेड बॉडी नहीं दिखाई देती है जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि ब्रैन का खुला घूमना कितना ज़्यादा खतरनाक है अब ऐश के कहे मुताबिक मार्को को वहाँ पर ब्रैन की बॉडी नहीं दिखती है जिससे कि उसको ऐश के ऊपर ही शक होता है और वो उसे घर के अंदर ले जाकर उसे हैंडकफ से बांध देता है जिसके बाद में मार्के खुद उस जगह की छानबीन करने लगता है जहाँ पर उसे ह्यूमन बॉडी के कटे हुए पार्ट दिखाई देते हैं लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता ब्रेन वहां पर आकर अपने हाथों से उसके सिर को क्रश कर देता है फिर इसके बाद एक हथियार से वो मार करके टुकड़े करने लगता है ये सब ऐश घर के अंदर से ही देख रही थी तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ से नहीं निकल रहा था तब ऐश जोश का कटा हुआ प्राइवेट पार्ट वहीं पर पड़ा हुआ देखती है जिसके खून को वो अपने हाथों पर लगा लेती है और उसके कारण उसका हाथ उस हैंडकफ से निकल जाता है अब जब ऐश वहाँ से भागने वाली थी तो अचानक से क्लाइड आता है जो कि काफी जख्मी था लेकिन वो ऐश को शूट करता उससे पहले ऐश उसके सर पर एक चाकू को घुसा देती है फिर ऐश क्लाइड की गन खुद ले लेती है और ब्रायन को वहां पर आता हुआ देख कर उसे भी शूट करके वो वहां से भाग जाती है लेकिन दो बार गोलियाँ खाने के बाद भी ब्रायन को कुछ नहीं होता है और वो अभी भी ऐश का पीछा करने लगता है लेकिन सही समय पर ऐश मेन रोड तक पहुंच जाती है जहां पर पुलिस किडनेपर्स की, की कार के पास में खड़ी हुई थी और पुलिस को देखकर कर ब्रैन भी ऐश का पीछा छोड़ देता है अब ऐश पुलिस के पास में जाती है जहाँ पर पुलिस ऐश को सही सलामत उसके घर पर ले जाती है और ब्रायन बस उसे जाता हुआ देखता रहता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है तो दोस्तों ये था द बचर्स बुक मूवी का सेकंड पार्ट ये बहुत स्लैशर और टॉर्चर मूवी है जिसे देखकर एक बार आपको भी घिरा जाएगी इस मूवी में हमने देखा कि कैसे कुछ किडनैपर ऐश नाम की एक लड़की को पकड़कर उसके पिता से पैसे मांगने वाले थे लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथ में एक ट्रेजिडी हो जाएगी वो जिस जंगल के पास में से निकल रहे थे वहाँ पर दो भाई ऐसे रहते थे जो कि कैनिबल्स थे उन किडनेपर्स के बीच में आपस में भी लड़ाई हो रही थी और इसी का फ़ायदा उठाकर ब्रायन और क्लाइड ने उन्हें पकड़ लिया दोनों भाई उनको मारकर उनका मीट खाना चाहते थे लेकिन मूवी के आखिर में सिर्फ किडनैप हुई ऐसी बची और बाकी सभी लोग मारे गए ब्रायन थोड़ा मेंटली स्टर्ब भी था और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि गोली लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है लेकिन मूवी के एंड में हमने देखा कि ऐश पुलिस के पास में से सलामत आ जाती है और बैन बस उसे जाता हुआ देखता रहता है तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मैं वहाँ पर इस मूवी को डाल दूंगा तो अब मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग और स्लेश मूवी के साथ में